ये बताइए, ये सोनाबाई तो अब नहीं रही, काफी फेमस थी वो, विदेश तक उनकी चर्चा है, देश भर के लोग उनको जानते हैं इस कला के माध्यम से। ये कला महत्वपूर्ण है, क्या ये विलुप्त तो नहीं हो जाएगी? आप लोग इसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? ये विलुप्त नहीं होगा, हम लोग कर रहे हैं अपने परिवार में से, गांव के और अन्य लोग एक दो चार अपने ही साथ सीखे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, वो ये लुप्त नहीं होगा, हम जब जीवित रखेंगे कला को और रहेगा। गांव के लोगों को भी सिखाते हैं आप? नहीं अभी तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, माँ के साथ सीखे हैं एक दो सीखे चार, तो ऐसे तो नहीं एक दो लड़के सीख पाए, बाकी काम नहीं कर पाते हैं, मिट्टी के काम में थोड़ा सा होचक जाते हैं, करने में समय मेहनत नहीं, जाता है। मेहनत तो समय नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। क्या चाहते हैं आप? आपके बाद माँ नहीं रही, अब आपके बाद कौन इस विरासत को संभालेगा? अपने बहू संभाल रहे हैं, अपने लड़के संभाल रहे हैं, अपने बेटे संभाल रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं काम को घर में, जैसे कभी कभी टूट फूट जाता है तो लोग भी कर रहे हैं, नया सिरा भी से नया बना रहे हैं, जैसे ये जाली अभी हम बना रहे हैं, देखिए ये जाली 2 ठो बना है। कितना भरोसा है आपको कि आने वाली नई पीढ़ी इस कला को जीवित रखेगी? मेरा पूरा भरोसा है कि जीवित रहेगा, क्योंकि घर में सजा हुआ है, तो उसके चलते तो ये लुप्त नहीं होगा, जीवित ही बच्चों रहेगा। बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें? हाँ इसमें है उनका इंटरेस्ट। बिल्कुल। तो देखिए, जो सोनाबाई का परिवार है, इस परिवार के में उनके जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनका भी रुझान भित्ति चित्र कला पे है। इस परिवार के अब बड़े सदस्य जो हैं दरोगा राम, सोनाबाई के बेटे, अब वो इस कला को जीवित रखे हुए हैं, बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही गांव के कुछ लोग हैं, वो भी इस काम को सीख चुके हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो भी इस कला में रुचि रखते हैं और इसको आगे भी जीवित रखेंगे। ये बताइए, आप कैसे ख़त्म हुए? उसको बुखार थी, वो बुखार में अचानक बढ़िया थी, सुई लग रही थी, उसके बाद अचानक डेथ हो गई उसकी। ये बताइए, आप लोग कितने लोग हैं घर में जो रजवार भित्ति बनाना जानते हैं? तो घर का सभी बना सकते हैं। सभी लोग बना रहे हैं। अब सुंदरी बाई नहीं है, आप लोगों का क्या प्लान है? इसी काम को आगे बढ़ाना है कि दूसरे काम करेंगे, नहीं उसका काम जो बढ़ाना है उसको आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे।